ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था? अगर किसी को इन शब्दों के कारण से कोई अटपटा, क्षमा मांगता हूँ, मुझे इसमें कोई अहंकार है कि नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा मैं सब। राजस्थान में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्ववर्ती सरकार में गृह मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर टिप्पणी क्या की, लोगों में रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने महाराणा प्रताप को यह तक कहकर पुकारना शुरू कर दिया अपने भाषण में कि उन्हें किसी कुत्ते ने काट लिया। जब इस बात पर विवाद बढ़ा तो देर शाम उन्होंने एक माफीनामा जारी करते हुए महाराणा प्रताप की स्तुति में गुणगान शुरू कर दिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टूंगर टूंगर पर होता फिरा? किसके लिए गया था, किसके लिए गया था, कुछ समझ में आता है नहीं? उस पार्टी के साथ मैं, मेरे द्वारा जो भाषण दिया उसमें मैंने इस देश के पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़ाई लड़ करके इस देश धर्म और संस्कृति की रक्षा की, उसी की तुलना में मैंने कहा था अभी भी महाराणा प्रताप गए। और महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से एक एक जंगल जंगल की खाद छानी, राज छोड़ा, सब सुख और वैभव छोड़े, मेरे द्वारा शब्द प्रयोग किया कि ऐसा कोई पागलपन उनको नहीं जो कोई कुत्ते के काटने से पैदा हुआ, ये शब्द जरूर मैंने प्रयोग किया, पर इसके पीछे मेरा भाव ये था कि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने सारे सुख और वैभव को तिलांजलि देकर उस संघर्ष की राह पे गया, जो संघर्ष की राह आज दिन तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कायम हुआ, उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए इतने बड़े कष्टों को भी अंगीकार किया और अंततोगत्वा विजय प्राप्त की, उस महाराणा प्रताप के प्रति मेरी ये भावना नहीं थी, मेरी ये थी कि उनका ये पागलपन वास्तव में देश धर्म के प्रति जो प्यार का था वो उन्होंने जीवन भर तक निभाया। और मैं उनसे से बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जब से राजनीति में हूँ, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की इस धारणा को, देश आजाद हुआ तो 47 में हो गया, पर पहली बार विधायक बनने के बाद 78 में प्रताप के जीवन से सार्थक करने के लिए, चाहे वो कुंभलगढ़ हो, चाहे वो गोगुंदा हो, चाहे वो हल्दी घाटी हो, चाहे चावंड हो, इसके विकास का अगर सूत्रधार प्रारंभ करने का प्रयास किया तो मेरे आग्रह पर भैरव सिंह शेखावत ने पहली बार मनाया। और मैं तो आज दिन तक प्रताप जयंती के दिन आप सब लोगों के साथ जिस तरह से, जिस उत्साह से, जिस पूरी मनोयोग से, और मैंने पूरी नगर परिषद जिसमें मेरा बोर्ड था उसको इन्वॉल्व करते हुए सारा खर्चा नगर परिषद की तरफ से भी वहन करते हुए हमने महाराणा प्रताप के जीवन को लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास किया। जिस पाठ्य पुस्तक में नहीं था उस पाठ्य पुस्तक में प्रताप के जीवन का शौर्य को प्रकट करा, और जिसको अकबर महान कहा जाता था उसकी जगह हमने प्रताप महान को पाठ्य पुस्तक में डालने का प्रयास किया। हमारे मन में उस महाराणा प्रताप के प्रति अनन्य श्रद्धा थी, है और रहेगी। मेरे शब्दों का मैंने क्षमा याचना की, मेरा पूरा भाषण आप सुनना, आज मुझे बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, और उसके कारण से मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग अगर आपको गलत लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी भावना हमेशा महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी के बारे में प्रेरणा देता है, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित करता है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आवे पर इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस भावना के साथ मैंने कहा है, अगर किसी को इन शब्दों के कारण से कोई अटपटा, क्षमा मांगता हूँ, मुझे इसमें कोई अहंकार है कि नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा मैं। सब ऐसे महापुरुष जिसने वास्तव में अभी अभी जो गया है और जिसने हिंदुस्तान की इस अस्तित्व को बचाया है, इस मेवाड़ की धरा ने, आज इस जहां हम हैं और आज जो हमारे देवी देवता और भगवान जहां हैं, उन सबको बचाने के लिए जो परिश्रम और जो संघर्ष उस व्यक्ति ने किया उसके प्रति नमन है मेरा। और मेरी भावना को ठीक प्रकार से पूरा समझें और फिर उसके ऊपर किसी प्रकार की बात कहें तो बहुत अच्छा लगेगा।